हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोशन। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग फिजिक्स का चैप्टर वन मेजरमेंट एंड मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट एंड मोशन पढ़ रहे हैं, जिसका ये वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक मैंने 6 वीडियो लेक्चर तक अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए, अगर आप लोगों ने वह सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उसे देखिए और फिर इसे देखिएगा। ठीक है, तो और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जितना भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो सभी दिशा पब्लिकेशन का जो बुक आता है, NDA, एयरफोर्स, नेवी, UPSC के लिए, उसी बुक से मैं आप लोगों का यह तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, उसी बुक से मैं इसे करवा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि ये बुक आप लोगों के पास भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और साथ ही साथ इस बुक में जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है वो भी मैं आप लोगों को चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कस करने वाला हूँ। साथ साथ अलग से जो क्वेश्चन बनाया हुआ है मेरा, उससे भी मैं आप लोगों को इसमें डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। हम लोग आज मोशन पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मोशन समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि देखिए मोशन कब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई वस्तु जो है वो रेस्ट में रहेगा, जब ही ना ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, मोशन में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रेस्ट होगा और एक मोशन होगा, है ना। मोशन का मतलब हुआ गति में रहना और रेस्ट का मतलब हुआ एक जगह रुका होना, अस्थाई। तो रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं, ये समझिए। तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन से ही समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और विथ रिस्पेक्ट टू पासेज ऑफ टाइम। मतलब कहने का ये, कोई ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वह रेस्ट पे है जब वह अपना पोजिशन को चेंज ना कर रहा हो। क्या वह अपना पोजिशन को चेंज ना कर रहा हो? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और यह समय के साथ अपना स्थान, अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, और टाइम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये कि एक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहाँ, इसे छोड़िए, मैं एक आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आसानी से आप लोग उसे समझ सकते हो। सपोज कीजिए कि ये एक बस है, ठीक है ना, इसमें एक दो और ये तीन व्यक्ति हैं और एक बस के बाहर व्यक्ति हैं। ये बस इस साइड की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखिए, इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये जो व्यक्ति है, ये तीनों व्यक्ति किस चीज में है, मोशन में है, आगे बढ़ रहे, मतलब अपना पोजीशन को चेंज कर रहे। लेकिन इस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति जो है वो मोशन में नहीं है, वो क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि वो जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से देखा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, वो कैसे पता चलता है हमें, तो वो हमें सराउंडिंग के हिसाब से पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, कौन सा रेस्ट में है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो था हमारा रेस्ट में। तो रेस्ट में हम कैसे समझेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ वो नहीं आया, किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मतलब सराउंडिंग का मतलब हो गया ऑब्जर्वर, देखने वाले के रिस्पेक्ट में, अगर अपना स्थान चेंज नहीं कर रहा है। अगर मान के चलो आप कोई व्यक्ति हो, आप अगर अपना स्थान चेंज कर रहे हो, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग आप उतना ही दूरी पे हो, आप मेरे अकॉर्डिंग मोशन में नहीं हो, आप रेस्ट में हो। अगर आप अपना स्थान चेंज कर रहे हो और दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो आप मोशन में हो अकॉर्डिंग टू दोज पीपल। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। तो चलिए हम लोग अब मोशन को समझते हैं कि मोशन क्या होता है। तो देखो, मोशन जो है ना, सेम टू सेम वही डेफिनेशन होगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, हम एक वस्तु को कह सकते हैं कि वो मोशन में है इफ इट्स पोजीशन चेंज, उसका पोजीशन चेंज हो कंटिन्यूअसली, लगातार,
विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के पास होने के साथ साथ, अगर टाइम के पास होने के साथ साथ और ऑब्जर्वर के अनुसार कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज करता है तो क्या कर रहा है, यानी कि वो मोशन में है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि कब कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने हैं। देखो मोशन को ना अलग अलग टाइप में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, डायमेंशन के अनुसार, डायमेंशन के अनुसार क्यों बांटा गया। देखो नॉर्मली हम लोग तीन डायमेंशन तक जानते हैं कि एक डायमेंशन हो गया लेफ्ट राइट का, एक आगे पीछे ये जो करते हैं, और एक डायरेक्शन हो जाता है ऊपर नीचे का, इस तरीके से। तो ये तीन डायरेक्शन हो गया है ना, तो तीन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मोशन को तीन भागों में बांटा है। पहला वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा टू डायमेंशनल मोशन, और तीसरा थ्री डायमेंशनल मोशन। पहले मैं आपको इसे समझाता हूँ कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन पे ऐसे मोशन कर रहा है तो वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लीजिए ट्रेन, ट्रेन पटरी पे वन डायमेंशनल मोशन करता है, सिर्फ आगे या तो पीछे, आया बाया ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता है। इसका मतलब ट्रेन जो मोशन कर रहा है वो वन डायमेंशनल मोशन है। चलिए टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल यानी दो दिशा में मोशन, एक आगे पीछे और ये बाया दाया, ऐसे अगर कोई मोशन कर रहा है तो वो टू डायमेंशनल मोशन है। ये मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो वो टू डायमेंशन में घूमता है, या हम लोग गेम जो खेलते हैं वो टू डायमेंशन में खेलते हैं। गेम जो हम लोग खेलते हैं ये सांप सीढ़ी वाला, या फिर ये मोबाइल में जो नोकिया का मोबाइल में गेम आता था सांप वाला, वो जो गेम होता था वो भी एक टू डायमेंशनल गेम होता था। थ्री डायमेंशन क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन, जैसे कि देखो तीन डायरेक्शन में आपको दिखाता हूँ एक क्यूब के जरिए, क्यूब बना करके ये देखो इसे मैं ऐसे मिलाता हूँ और आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ना ये एक थ्री डायमेंशनल का क्यूब बन गया। और इसमें तीन डायमेंशन कौन कौन सा है, तो पहला डायमेंशन देखो ये वाला, दूसरा डायमेंशन ये वाला, और ये रहा आपका तीसरा डायरेक्शन। तो ये तीन डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर ऐसे कोई मूव करता है ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे, और ये आगे पीछे ऐसे, तो इसे थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। देखो तीन दिशा हुआ ना, एक दिशा ये और एक वाला ये वाला दिशा, तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। इस डायमेंशन में क्या होता है कि ये जो पक्षी होते हैं या तितली मक्खी कोई सा भी, वो थ्री डायमेंशनल मोशन करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा इसको डेफिनेशन से देखते हैं कि इसका डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। देखो वन डायमेंशनल मोशन, इट इज द वन डायमेंशन, इट इज द मोशन इन विच द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज ओनली इन वन डायरेक्शन। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस टाइप के मोशन में। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ लाइन, इस केस में वन डायमेंशनल मोशन के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव करता है अलोंग अ लाइन, एक लाइन पे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हो मोशन ऑफ ट्रेन, ओहो सॉरी यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल क्या है कि मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी में किसी भी फल का गिरना या कोई गेंद गिरना ऊपर से नीचे, तो वो एक डायरेक्शन में ही गिरता है ग्रेविटी के कारण, अंडर ग्रेविटी में, तो वो जो है वो वन डायमेंशनल मोशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन का थोड़ा डेफिनेशन। सेम टू सेम उसी तरह से बोलेंगे, इट इज द मोशन इन विच द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इन टू डायरेक्शन, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होता है दो डायरेक्शन में। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है
कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पे मूव करता है, जैसा कि देख सकते हो। ये अगर इसको मिला दूं मैं चारों कोना को, तो यह एक क्या बन जाता है, प्लेन बन जाएगा। देखो ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे ऐसे, देखो ये एक प्लेन बन गया। प्लेन बना या नहीं बना, तो प्लेन में मूव करता है। अब देखिए आगे इसके, इसका एग्जाम्पल हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है कि कोई हम ऑब्जेक्ट लिए और उसे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, ऐसे फेंक दिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाता है, ठीक है। या किसी भी गेंद को आप फेंकते हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो जाता है। प्रोजेक्टाइल ऐसे घूम करके जाता है, ऐसे ऐसे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। थ्री डायमेंशनल मोशन जो है वो क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन का भी सेम डेफिनेशन, इट इज द मोशन इन विच द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इन थ्री डायरेक्शन। पोजिशन जो जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है तीन डायरेक्शन में, ठीक है ना। इन दिस केस ऑब्जेक्ट मूव इन स्पेस, इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है इन स्पेस। देखो स्पेस है ना, एकदम पूरा ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है स्क्रीन के अंदर में, या फिर आसमान में उड़ रहा है कोई पक्षी, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, एक बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है इन द स्काई में, आसमान में। आई होप आप लोग मोशन समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब उससे पहले हम समझेंगे ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आया कैसे, ठीक है। वो अगर आप समझ जाओगे तो इसे समझना बहुत आसान होता है। देखो कि एक ऑब्जेक्ट है, पहले ये समझना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मोशन कर रहा है तो ये अभी यहाँ है, कुछ समय बाद अपना पोजिशन चेंज करके यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ ये आया तो दोनों के बीच में पता चलता है कि पहले अगर ये व्यक्ति एक नंबर पे था, अब दो नंबर पे चला गया, यानी कि चेंज हुआ। कितना दूरी गया ये, उसी से निकल के आया हमारा डिस्टेंस। मोशन हुआ तभी तो डिस्टेंस निकल के आया, मोशन होता ही नहीं किसी भी चीज़ का तो डिस्टेंस तो निकल के आता नहीं, तो ये डिस्टेंस निकल के आ गया। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फंडा है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का फंडा ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है एक नंबर से दो नंबर और दो नंबर से यहाँ पे आ गया तीन नंबर पे, ठीक है। तो ये एक से दो गया, दो से तीन गया और तीन से तीन आया, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर आया तीन नंबर तक में। तो ये जो टोटल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मानकर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो टोटल ट्रेवल किया वो 7 किलोमीटर किया। लेकिन इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ पर है, उन दोनों के बीच का गैप कौन बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत में कहाँ पे था और लास्ट में कहाँ पे था, उन दोनों का गैप। जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहले एक नंबर पे था, अब कहाँ पे है, तीन नंबर के, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर जो है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस होता है टोटल ट्रेवल, टोटल ट्रेवल, एक से दो गया, दो से तीन गया, तो एक से दो, दो से तीन जो गया ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ये टोटल जो गैप था ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस करीब वाला, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसे डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। देखो समझना, मोशन इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ पोजिशन। यू नो दैट कि मोशन जो है वो क्या है, मोशन है रिलेटेड टू चेंज ऑफ पोजिशन। पोजिशन में चेंज आने का जो आता है वही क्या है, मोशन है। द लेंथ ऑफ ट्रेवल इन चेंजिंग पोजिशन मे बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस। कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेवल इन चेंजिंग पोजिशन, पोजीशन को चेंज करने में जो लेंथ ऑफ ट्रेवल हुआ, लेंथ जो हुआ ट्रेवल करने में, उसी को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग डिस्टेंस से। जब कोई ऑब्जेक्ट या एक जगह से दूसरे जगह मोशन किया, दोनों के बीच का जो लेंथ ट्रेवल हुआ उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट, एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू लाइन, टू पॉइंट्स, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे याद भी रखना आपको कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, वह स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, याद कर लीजिए। डिस्टेंस क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है।
जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली ऑन ओनली मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ क्या होता है तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो समझिएगा डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। द डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शुरुआती पॉइंट से और एकदम फाइनल पॉइंट जो होगा, उन दोनों के बीच का जो गैप होगा, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है ओनली मेजर द चेंज इन पोजिशन, ये सिर्फ मेजर करता है चेंज इन पोजिशन, पोजिशन में जो चेंज आया एक जगह दूसरी जगह गया, उन दोनों का गैप हो। नोट द डिटेल इन्वॉल्व इन द चेंज इन पोजिशन, डिटेल को नहीं देखता है, पूरा डिटेल में नहीं बताता है। डिटेल में बताने का मतलब देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ था एक नंबर पे, फिर यहाँ गया दो नंबर पे, और फिर यहाँ गया तीन नंबर पे, यानी कि यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ गया। तो ये डिटेल कौन बताता है, ये डिटेल बताता है डिस्टेंस, ये डिटेल कौन बताता है डिस्टेंस बताता है कि पहले 2 किलोमीटर गया फिर 5 किलोमीटर गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि अभी शुरुआत में ऑब्जेक्ट यहाँ था और फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा है, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वही हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो समझ गए होगे आप लोग डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। अब हम कुछ आगे समझते हैं पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से शुरू हुआ एक नंबर से, यहाँ गया दो नंबर पे, और फिर यहाँ गया तीन नंबर पे, और फिर वापस आ गया यहाँ पे एक नंबर पे, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का गैप था 5 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल कितना हुआ बताइए, ये ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया गया, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है, तो 5, 4, 9 और 2, 11 11 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताइए, अच्छा डिस्प्लेसमेंट पहले व्यक्ति यहाँ से शुरू हुआ और बाद में यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहीं आ गया, यानी कि जहाँ पहले था वहीं बाद में भी है, जहाँ पहले था वहीं बाद में ही है, तो इसका मतलब गैप तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 किलोमीटर। यहाँ से चालू हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आ गया यहीं पे, इसका मतलब दो पॉइंट है ही नहीं, वापस उसी पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, जहाँ से गया था वहीं पे आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0। तो यही कहना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या है ये फंडा। देखिए अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखे समझाया है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम्स इज रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0 बट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज नॉट 0। वही कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, जहाँ जिस पॉइंट से उसे फेंका गया था उसी पॉइंट पे वो वापस आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होगा, वो 2h हो जाएगा, अगर 1h मैक्सिमम हाइट तक वो गया हो तो, ठीक है ना। तो ये था पॉइंट। सिमिलरली इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर क्लोज पाथ
एंड रीच इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर ऑन रिवोल्यूशन देन द डिस्प्लेसमेंट इज वन रिवोल्यूशन इज जीरो बट द डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ 2πr। वही कह रहा है कि अगर किसी रेडियस में, ये देखो सर्कल में, ये सर्कल बना दिया, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते 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 यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेस से समझो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस तो हुआ ही नहीं, एक प्लेस पे था, उसी प्लेस पर घूम करके आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो किलोमीटर अगर रखे तो। और इसी में हम इसका अगर डिस्टेंस मापे कितना गया है दूरी, ये 2πr हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। r कहाँ से आया, तो ये अगर r इसका रेडियस हो तो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये। अब आज की वीडियो में यहीं डिस्प्लेसमेंट तक ही, और मैं आपको अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक हैंडी फैक्ट है उससे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे है अपना, यहाँ पे ये रहा, इसे समझ लीजिए थोड़ा कुछ, ये भी पॉइंट है बहुत जरूरी। कह रहा है कि समझिएगा इसे, कि द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी इक्वल टू ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा, कह रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो इक्वल टू ग्रेटर देन हो सकता है जीरो। डिस्टेंस मान लो ये डी स्मॉल है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट, ये डी से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, कैपिटल डी से। ये डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज बड़ा होगा, कौन, डिस्टेंस। कैसे, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, ऐसे यहाँ पे पहुंचा और घूम करके फिर यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुआ ना। वही बात है, ये डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा, ठीक है ना। और इट कैन बी, एक बात और, इट कैन नेवर बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यह डिस्टेंस जो है वो कभी भी लेस देन नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए निगेटिव कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से ऐसे गया, अब यहाँ से ऐसे आया यहाँ पे, अब ये यहाँ जीरो पे था, फिर वन, ये वन टू थ्री ऐसे बढ़ेगा, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस वन माइनस टू। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहाँ आया, यानी कि माइनस टू पे आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, माइनस में आ गया, लेकिन डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। यहाँ से यहाँ गया अगर 3 किलोमीटर, वापस फिर यहाँ 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 आया फिर यहाँ गया, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जीरो पे जहाँ से गया था वहीं आ गया, तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो अगर अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो वो लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा उस बच्चे को, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे, और चैनल को, ये जो यूट्यूब वीडियो है, इसे आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।